ISF से ज्वाइंट मीटिंग बुलाया है, पूरा लैंड ओनर नेशनल हाईवे का लैंड ओनर उनके साथ में मीटिंग किया है और उस मीटिंग में हम लोग चर्चा किया है जो कॉम्पेंसेशन नेशनल हाईवे से जो देना था रेलवे और नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन का वजह से बहुत लैंड डैमेज हुआ था उसमें रेलवे से तो दे दिया है मगर नेशनल हाईवे बहुत दिन से ये JKM और NKC को टर्मिनेशन होने के कारण से 3-4 साल हो गया है पेंडिंग हुआ है मगर हम लोग रिसेंटली जब यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जब सिलचर में आया था उसने कहा है कि यहाँ मायबांग से लेके हरंगजाव पोर्शन ये नेशनल हाईवे अभी फिर टेंडर होके शुरू होने वाला है हम लोग सुना है उसी कारण से हम लोग आज में मीटिंग किया और वी हैव अप्रोच द DC उसको रिक्वेस्ट किया है जो नेशनल हाईवे से जो प्रोमिस किया था जो असेसमेंट भी हो चुका है रेलवे के साथ में जो रेलवे से कॉम्पेंसेशन दे दिया है अभी जो पुराना पेंडिंग कॉम्पेंसेशन है जो घर खराब हुआ ज़मीन खराब हुआ उसका कॉम्पेंसेशन ये नेशनल हाईवे से जो JKM और NKC से खराब किया है उनका कॉम्पेंसेशन नया प्रोजेक्ट शुरू होने का पहले वो लोग सेटल करना है ये भी मेमोरेंडम भी 3-4 साल से हम लोग दे चुका है अभी तक कुछ भी नेशनल हाईवे से ये एश्योरेंस नहीं आया है तो DC से हम लोग को एश्योरेंस दिया है कि वो ज्वाइंट मीटिंग जल्द से मीटिंग कॉल करेगा बोला है और हम लोग DC को भी रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ का मेंटेनेंस जो चल रहा है ये जतिंगा से लेके हरंगजाव का मेंटेनेंस जो चल रहा है लक्ष्मी मोटर ये रन्ना से कर रहा है वो हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को हम लोग प्रेशर देते हैं मगर वो लोग बता रहा है कि नेशनल हाईवे आलोक कुमार जो अभी रीजनल ऑफिसर है वो मना कर रहे ये ड्रेन बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए न्यूमक्रो से लेके नीचे जतिंगा हरंगजाव का पोर्शन बनाने के लिए मना किया है मगर ये क्यों मना किया है वो सवाल हम लोग भी पूछना चाहता है ये मेंटेनेंस का काम के लिए दिया तो तुरंत ये काम भी करना है और ये रेनी सीजन का पहले ये जो 54 करोड़ का प्रोजेक्ट जो चल रहा है मेंटेनेंस का काम तुरंत ये अच्छा से शुरू होना है ताकि रेनी सीजन में कुछ गड़बड़ तकलीफ़ नहीं होने के लिए पब्लिक के लिए और ये हम यहाँ मीडिया का माध्यम से हम ये नेशनल हाईवे को ये हम चेतावनी देना चाहता है कि जैसा हम लोग को रेलवे से प्रोमिस किया है वैसे सेटल किया है नेशनल हाईवे से भी ये सेटल करना ही पड़ेगा सेटल नहीं करेगा तो हम लोग ये काम करने नहीं देगा वी आर नॉट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मगर जैसा रेलवे नेशनल हाईवे से प्रॉमिस किया है कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा और इसी साथ में भी अलाइनमेंट चेंज जो होगा वो हम लोग मना करता है वो हम लोग करने नहीं देगा जो ख़राब कर चुका है जो अलाइनमेंट में है उसमें कर लो ट्रीटमेंट करो रिटेनिंग वॉल बनाओ अच्छा से करो फ्लाईओवर बनाओ जैसा बना सकता है बनाओ मगर ज़मीन ख़राब होने के लिए हम लोग का ज़मीन और ख़राब होने के लिए अलाइनमेंट चेंज करने का कोशिश करेगा तो वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा आप क्या बोलेगा नीरम बंगलो टू जतिंगा हाँ 1 ईयर का टेंडर था उसमें मेंटेनेंस के लिए वाटर लेवल के लिए 24 करोड़ सेंक्शन हुआ था लेकिन नीरम बंगलो टू जतिंगा का जो पोर्शन है 24 करोड़ का काम हुआ बोलकर सोचता नहीं नहीं बहुत खराब काम हुआ है देखिए ये नीरम बंगलो टू जतिंगा का रोज जो पोर्शन है 20 करोड़ समथिंग का है ये भी हम लोग बहुत फाइट करके तो ये भी टेंडर हुआ था मगर ये रोड तो अच्छा से नहीं हुआ है बहुत बार हम लोग अप्रोच कर चुका है PD तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहता है और ये नेशनल हाईवे का RO रीजनल ऑफिसर आलोक कुमार हम लोग इतना उम्मीद करके उसको ये जब ये रीजनल ऑफिस बना वो हाफलोंग में आके ये एश्योरेंस भी दिया था ये रोड अच्छा होगा ये छोड़ो ये माहूर का ब्रिज भी बनाएगा बोल के कितना बार वो लोग ये इस्टीमेट भी बनानी दे चुका है कितना बार असेसमेंट भी सॉरी ये एश्योरेंस भी दिया है और अभी बोलता है वो लोग जल्द से जल्द ये करेगा मगर अभी वो लोग बहाना बना रहा है कि PMGSY रोड जाएगा बोला है तो इसमें PMGSY हम लोग सुननी मिला है PMGSY में ये ब्रिज नहीं है खाली रोड ही बोला है तो ये हम नेशनल हाईवे को रीजनल ऑफिसर स्पेशली आलोक कुमार को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है जो जैसा पहले एश्योरेंस दिया है माहूर का ब्रिज जो आप लोग से ख़राब किया है वो तुरंत बनाने के लिए आप क्या बोल रहे तो 56 करोड़ का जो 54 करोड़ इसका आप जो काम का जो क्वालिटी है आप क्या कितना क्वालिटी कितना अच्छा है कितना ये जो काम चल रहा है ये क्वालिटी अच्छा नहीं है और ये तो हम लोग स्टूडेंट लोगों से जाके चेक बहुत बार कर चुका है मगर स्टूडेंट तो हम लोग का काम नहीं है वो क्वालिटी अच्छा नहीं है वो हम लोग बहुत बार नेशनल हाईवे का जतिंगा से लेके ये हरंगजाव पोर्शन का क्वालिटी अभी अच्छा नहीं है और हम लोग बहुत बार कंप्लेन भी कर चुका है
मगर कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। बहुत बार इंटरव्यू भी दे चुका है, कंप्लेन भी रीजनल ऑफिस के पास में जाके हम लोग कंप्लेन कर चुका है। और हम लोग जब कॉन्ट्रेक्टर को यहाँ का जतिंगा से लेके हरंगजाव पोर्शन का कॉन्ट्रेक्टर जो रन्ना और लक्ष्मी को जो ज्वाइन से कर रहा है, उनको कॉन्ट्रेक्टर को हम लोग बहुत बार हम लोग मिल के बात किया है, मगर वो रीजन ये बता रहा था कि एनरिम नहीं जतिंगा से लेके हरंगजाव का पोर्शन वो वहाँ पर बरोवापू म्यूंक्रोस से लेके हरंगजाव पोर्शन रोड प्रोजेक्ट जो 54 करोड़ का अंदर में इस्टीमेट तो है, मगर ये हम लोग सुनने मिला है रीजनल ऑफिसर से हेड ऑफिस से ये लोग बनानी नहीं दे रहा है, ये हम लोग कॉन्ट्रेक्टर से हम लोग वजह बताया है। तो ये नेशनल हाईवे से 54 करोड़ सेंक्शन कर चुका है मेंटेनेंस के लिए, क्यों खाली वहाँ पोर्शन को करनी नहीं दे रहा है? जल्द से जल्द ये ड्रेन और ये ब्लैक टॉपिंग जल्द से जल्द नहीं करेगा तो अभी मानसून आ रहा है, तो ये नेशनल हाईवे का हेडक्वार्टर का गलती भी है, खाली कॉन्ट्रेक्टर का गलती नहीं है, ये जितना हम लोग सुना है डिपार्टमेंट का रीजनल ऑफिस का भी गलती है कि वो लोग करनी नहीं दे रहा है। इस्टीमेट तो बना चुका है, डीपीआर बना चुका है, मगर वो लोग क्यों ये काम करनी नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रेक्टर से ये सब बता रहा है। आप क्या सोचता है जो अभी रोड है अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो इस रेनी सीजन में गाड़ी चल पाएगा कि नहीं उस एरिया में? अभी भी ड्राई सीजन में भी अच्छा से नहीं चल रहा है, कहाँ रेनी सीजन में चलेगा? यही विदाउट प्रॉपर ड्रेन, जितना रोड भी बनाओ विदाउट प्रॉपर ड्रेन वो रोड तो लास्टिंग नहीं होता है। तो मियुंक्रो से लेके हरंगजाव पोर्शन ये हम लोग का रीजनल ऑफिस आलोक कुमार जी से ये बनाने के लिए मना किया है, उसी कारण से ये लोग रोड नहीं बना सका है। तो रीजनल ऑफिसर से अभी मेंटेनेंस के लिए और ये ड्रेन के लिए वो लोग सेंक्शन जो करा है वर्क प्रोसेस करने के लिए बताएगा, तो शायद इस बार हम लोग मंसी सीजन में ज़रूर हम लोग अच्छा से चल पाएंगे, ये हम लोग उम्मीद करता है। आपके जो भी ऐसी कुछ वर्क कोई कंपनी या कोई डिपार्टमेंट जो हैंडओवर करता है उसमें उन लोग को काम करो बोल के हमेशा स्वयं ऑर्गेनाइजेशन बोलो या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो लोग हमेशा पुशअप करने लगता है। आप ये सोचता नहीं कि एक कंपनी बोलो या तो डिपार्टमेंट के लिए बोलो वो लोग नेगलिजेंसी करता है डिस्ट्रिक्ट को लेकर, स्पेशली डिमासा में जो काम होता है हमेशा, कारण क्या है? आप क्या सोचता है? देखिए एक चीज़ यही है कि हम लोग यहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा है, ट्राइबल लैंड है, और स्पेशली ट्राइबल लोग को हम लोग नेगलेक्ट करता है, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम भी नहीं है कि ये काम करो वो काम करो अच्छा से करो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट। अभी यहाँ पर पीडी ऑफिस भी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नेशनल हाईवे भी है, मगर ये काम क्यों अच्छा नहीं हो? मतलब कि वो लोग अच्छा से काम नहीं देख रहा है, कुछ अंदर में वो लोग सब मिला हुआ है, इसी कारण से वो लोग काम अच्छा से नहीं किया है। तो आप लोग देख सकते हैं 54 करोड़ का प्रोजेक्ट इस तरफ में जतिंगा से लेके हरंगजाव बनाया, और 24 का आसपास जतिंगा से लेके इंद्रम मंगलोर, अभी आप लोग हालत देख सकता है ये 24 करोड़ और 54 करोड़ का प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, लोग क्यों नहीं कर रहा है? इतना भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके और कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट का हम लोग का काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन लोगों भी काउंसिल का CM बोलो EM बोलो जो भी जिस रास्ता से जाता है उन लोग भी थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि काउंसिल तो हम लोग का माए बाप है, वो लोग इनिशिएटिव नहीं लेने से हम लोग खाली स्टूडेंट से तो अभी तक तो कुछ इतना नहीं हो सका है। तो हम लोग का जगह है ये, हम लोग का जगह तो अच्छा होने के लिए हम लोग पॉलिटिशियन बोलो स्टूडेंट बोलो सब ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके प्रेशर देना ही पड़ेगा, तो सब हम लोग मिलके प्रेशर नहीं देगा तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोग सब एक साथ मिलके इसको खराब है इसको खराब है नहीं बोल के एक साथ मिलके जो यहाँ पर बाहर से काम करने वाला आता है उनको हम लोग प्रेशर देके हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से बनाना है, तो वही करने के लिए हम लोग एक साथ मिलके काम करना ही पड़ेगा और जॉइंटली प्रेशर देना पड़ेगा हर एंगल से। आप लोग का मेडिकल इमरजेंसी होता कुछ होता इस रास्ता में आना पड़ता आदमी को, तो जैसे कि हम लोग लास्ट रेनी सीजन में देखा एम्बुलेंस भी फंसा बहुत कुछ हुआ, स्टूडेंट लोग आने जाने का तकलीफ हुआ, तो आप उसको लेके आप इस सिचुएशन में आप क्या बोलेगा कि इस रेनी सीजन का अंदर अगर नहीं हुआ तो आने वाला दिनों में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होने से आप वो थोड़ा बोलिए पेशेंट्स का और स्टूडेंट का लेके एरिया का लेके आप बोलिए। देखिए स्पेशली जतिंगा से लेके हरंगजाव का पोर्शन जब भी रेनी सीजन होता है प्रॉब्लम तो हमेशा स्टूडेंट लोन और जो पेशेंट लोन जो जाता है वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम दिक्कत मिलता है, हम लोग भी सब देखा है।
मगर ये हम लोग भी उम्मीद करता है, ये मीडियम के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहता है कि नेशनल हाईवे को जैसा लास्ट ईयर में होता है उसकी पहले भी जो होता है ऐसा नहीं होने के लिए तुरंत ये जल्द से जल्द ये मेंटेनेंस काम जो है चल रहा है वो अच्छा से होने के लिए नेशनल हाईवे का रीजनल ऑफिस से एक्शन लेना पड़ेगा। और जो मियुंग्रो से लेके हरंगजाव पोर्शन का जो ट्रेन बनाना था और जो मेंटेनेंस का काम चलना था और जो जो कलवाट बना था ब्रिज बनाना था वो ये ड्राई सीजन अभी चल रहा है, वॉक सीजन है, अभी 3-4 महीना अभी भी बचा है, इसमें ये लोग काम करने के लिए हम लोग डिमांड करता है। और ये जल्द से जल्द ये लोग काम नहीं करेगा तो हम लोग एजिटेशन में जाएगा, क्योंकि ये जो भी काम कर रहा है बाहर से आ रहा है वो लोग अच्छा काम नहीं करता है, तो यहाँ से हम लोग भी ऐसे सिटीजन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते और हम लोग का फ्यूचर में क्या आने वाला है मानसून सीजन